Hello students, this is Vasudev Pandey. Welcome to Master of English. Welcome and the class of English. MCQ, multiple choice question. Pila mane, jemti janiche, parikha pakhe auchi, a parikha nischit bhabe hobo. June ro July mas bhitare parikha hobar chances 99% chance achi. Ta pile aji ame revision kariba tike. Amar jo ame to bahut padhi sachhe MCQ, tathapi authore let's revise our knowledge jaha achi. सो यहाँ पांचटा रिविजन सेट मुझे यादवि तुम्हारे रिविजन हो एमसीक्यू आउ एथर परीक्षा में केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो तेणु निहाती भावे आमको रिविजन करवा दरकार पढ़ापढ़ी सहित टच रखा दरकार ओके इफ यू आर न्यू टू द चैनल जस्ट सब्सक्राइब द चैनल प्रेस द बेल आइकन दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट वीडियोज एंड नोटिफिकेशन बीइंग पब्लिश्ड बाय मास्टर ऑफ इंग्लिश सो लेट मी स्टार्ट द वीडियो प्रथम प्रश्न फर्स्ट क्वेश्चन इन द इयर डैश द ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन बर्लिन ऑप्शन गुड़िक है 1932, 1936, 1942 नन अफ दिज तेल कौ मसीह कौन कौ इयर रे ओलंपिक गेम्स बर्लिन रे आम जानी फास्ट स्टैंडर्ड लिखाई इट वाज द इयर 1936 एंड ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड इन बर्लिन एटा लिखाई तेल कौटा ठीक उत्तर या 1936 बी इज द राइट आंसर दुई नंबर प्रश्न दुई नंबर प्रश्न कौन एडल्फ हिटलर वाज ए डाई हार्ड बिलीवर इन कौ जिनस को से विश्वास करुले कौ जिन से डाई हार्ड बिलीवर थे ऑप्शन गुड़िक अच्छे एपार्थाइट जाति भेद रेसिजम बी एपार्थाइट कहले रेसिजम जो कड़ा गोरा भेदभाव जोटा बी स्पोर्ट्समैनशिप खेलवाड़ मनोभाव सी इंटरनेशनलिज्म अंतर्जातीय मनोभाव नन ऑफ दिस तेल कौटा हम ठीक उत्तर या ऑप्शन ए से गोटे स्ट्रंग बिलीवर थे सीए आम आम जाति सब भल आम गोरा लोक ये जिनस बहुत कन्फिडेन्ट थी तेल एटा हम ठीक उत्तर तीन नंबर प्रश्न जेसे ओन्स वाज द ओनर ऑफ गोल्ड मेडल्स कौ विभाग से कौ गेम से गोल्ड मेडल जीति अलरेडी ए प्रीवियस ओलंपिक्स विगत वर्ष ओलंपिक्स बी यूनिवर्सिटी डेज यूनिवर्सिटी महाविद्यालय पढ़ला बेले विश्वविद्यालय बी अदर कंट्रीज अलग देश में नन अफ दिस ठीक उत्तर कौटा हम यस बी यूनिवर्सिटी डेज से विश्वविद्यालय पढ़ुला बेले ओलंपिक रेकर्ड भी करते गोल्ड मेडल सॉरी ओलंपिक नहीं विश्वविद्यालय लेवल से कौन करते रेकर्ड भी करते गोल्ड मेडल भी जीति चार नंबर प्रश्न कौन अच्छे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू कौटा सत्य एटा हूँ अन एक्जामिनेशन चैप्टर रही सो ए द राइटर वाज वेरी फंड ऑफ एक्जामिनेशन विंस्टन चर्चिल परीक्षा भल लगुला एटा तो बिल्कुल नुह बी द एग्जामिनर्स वेयर केयरफुल अबाउट देयर स्टूडेंट्स परीक्षक मैंने पिला भल पाते एटा भी नुह सी द एग्जामिनर्स वेयर इंटरेस्टेड टू टेस्ट द राइटर्स इग्नोरेंस राइटर को जो जिन जाणी ना से जिन से परीक्षा करने चाहूल नहीं कि डीटा देखीद द राइटर एक्सेल्ड इन एग्जामिनेशन परीक्षा रे राइटर बहुत बढ़िया करते हैं कौटा ठीक हे ए बी डीटा भूल उत्तर तेल सीटा हूँ ठीक उत्तर सीटा ही ठीक ट्रू सत्य पांच नंबर प्रश्न कौन अच्छी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स को स्टेटमेंटा फॉल्स मैंने सत्य नुह मिथ्या द राइटर वाज फंड ऑफ हिस्ट्री पोएट्री एंड राइटिंग एसेज द एग्जामिनेशन लाइक लैटिन एंड मैथमेटिक्स सी द राइटर वाज डेस्टाइन टू एम्बार्क ऑन द वॉयज ऑफ एग्जामिनेशन फॉर 7 इयर्स ये ऊपर तीन टा जगह ठीक अच्छे ना सत्य अच्छे तो मिथ्या कौटा ही कैरिड ए गुड इंप्रेशन ऑन हिज एग्जामिनर्स ताले डीटा ही ठीक उत्तर डीटा हूँ फल्स नहीं कि डीटा हम ठीक उत्तर पांच नंबर छः नंबर प्रश्न द वर्ड इनहस्पिटेबल मीन्स इनहस्पिटेबल कहले कौन इनऑर्डिनेट असाधारण इनकम्पिटेंट अयोग्य इररेलीवेंट असंपर्कित नन ऑफ दिस ताले कोटा हबो बिले यस डी हबो नन ऑफ दिस टा होची उत्तर सात नंबर प्रश्न देखिबा में द राइटर्स परफॉर्मेंस इन लैटिन वाज लैटिन रे राइटर को परफॉर्मेंस की भली थिला ए अनबिलीवेबली अबिस्मल माने बहुत खराब बी मॉडरेट के चलिबो सी फैंटास्टिक भलो डी नन ऑफ दिस ताले ठीक उत्तर कोटा हबो ए अनबिलीवेबली अबेस्म आठ नंबर प्रश्न डॉक्टर वेल्डन बिलीव्ड इन कौ जिनस विश्वास करुले
ए लुकिंग एट द आउटसाइड थिंग्स जिनसर बाहर जिनस को विश्वास करते बी थियोरिटिकल नॉलेज माने तथ्यगत विद्या उपरे से निर्भर करते सी गोइंग इनसाइड ऑफ द थिंग्स कौन से जिनसर भीतर को से देखा चेस्टा करते ऑल ऑफ दिस ताहले एज पर द टेक्स्ट कौटा ठीक उत्तर हम सीटा ठीक उत्तर हम गोइंग इनसाइड ऑफ द थिंग्स बर्तमान देखा नौ नंबर प्रश्न व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ये जो स्टेटमेंट सब अच्छे ये स्टेटमेंट भितर को स्टेटमेंटा सत ठीक अच्छे ए द राइटर बिलीव दैट हिज ग्रैंड मदर हाड वन्स बीन यंग एंड प्रिटी एंड हार्ड इवेन ए हस्बैंड ना ये जिनस तो से विश्वास करू नौले बी हिज ग्रैंडफादर स्पोर्टेड लॉन्ग व्हाइट बोर्ड हाँ तांका जेजे बापांकर माने धळा दाढ़ी थिला बढ़िया एटा सत आउ दुईटा देखीदे हिज ग्रैंड मदर वाज नॉट नॉस्टैल्जिक नॉस्टैल्जिक नथिले हिज ग्रैंडफादर हाड अ वाइफ और चिल्ड्रेन डबी माने विश्वास करी होनु थला तांका भाई ताहले कोटा कोटा ठीक बी हिज ग्रैंडफादर स्पॉटेड लॉन्ग व्हाइट बोर्ड सेटा पोर्ट्रेट रे ने सिठी मेंशन है छि अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ताहले बीटा होची ठीक उत्तर दस नंबर प्रश्न देखा पे दस नंबर प्रश्न कौन द राइटर्स ग्रैंड मदर वाज शॉर्ट गेड़ा थे बी स्ट्रेट सीधा थे सी फैट मोटा थे डी बोथ ए एंड सी ताले सी वाज शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट लिखाई बहरे ताले सेट शॉर्ट एंड फैट दुटा जगह ठीक उत्तर हम ए आउ सी ताले डीटा ठीक उत्तर हम बोथ ए आउ सी एगार नंबर प्रश्न ग्रैंड मदर वाज डियास ए आइडल बी स्लो सी वेरी एक्टिव डी क्लेवर एगार नंबर प्रश्न ठीक उत्तर कौटा हम पे या आइडल अलसुआ स्लीस माने धीरे वेरी एक्टिव बहुत माने एक्टिव थिले से तांकर एज को देखिले सीटा होची ठीक उत्तर तो आम सीटा ही ठीक उत्तर हिसाब से नवा वेरी एक्टिव सी वाज वेरी एक्टिव बार नंबर प्रश्न द राइटर्स ग्रैंड मदर पुट ऑन ए सारी दैट वाज क्वाइट ऑप्शन सर क्लीन डर्टी व्हाइट बोथ ए एंड सी डर्टी मैला तो बिल्कुल नथिला क्लीन सफा थिला यस सी धड़ा भी थिला ताहले कह बोथ ए एंड सी डीटा होची ठीक उत्तर क्लीन एंड व्हाइट तेरह नंबर प्रश्न पे तेरह नंबर प्रश्न कौन अच्छी टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजारी इंडिकेट सर ये जो माला गड़ेबाटा कौ जिनस सूचना दिए ए हैबिट ऑफ मर्मरिंग गुणगुण करने अभ्यास बी रिलीजियस स्पिरिट माने धार्मिक से धर्म विश्वासी थिले एस्केपिज्म माने कौन सी जिनस लुचिकी रोते नन ऑफ दिस तार ठीक उत्तर कौट हम या इट इट वाज इंडिकेटिंग द रिलीजियस स्पिरिट ऑफ द ग्रैंड मदर बीटा हो ठीक उत्तर चौदह नंबर प्रश्न आम देखा आम द पोएट वंडर्ड ऑप्शन ए एट रैंडम माने लक्ष्यहीन भाव रे बी इन द कंपनी ऑफ हिज फ्रेंड तंगे सांगर सांगरे सी एकंपनी हिज सिस्टर तंगे भौनी सांगरे ऑल ऑफ दिस तार ठीक उत्तर कौट हम बोले यस एट सो द पोएट वंडर्ड एट रैंडम पंद्रह नंबर प्रश्न व्हाट मेड द डेफोडिल्स टेंस कौन पाई डेफोडिल्स टेंस करूले कहा द्वारा ए टेम्पेस्ट झड़ होता बी ब्रिज मंद मंद पवन होता सी द पोएट कवि से नाचुले डी सो मैस्टेरियस फोर्स किसी अदृश्य शक्ति द्वारा से नाचुले ठीक उत्तर खोड़ा हो बोले आम समस्त जानचे या द ब्रिज ताल बीटा हूँ ठीक उत्तर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन षोह नंबर प्रश्न पीटर गिलिगन वाज टायर्ड पीटर गिलिगन टायर्ड थिले केते बेले टायर्ड थिले एट नाइट राति रे बी इन द आफ्टरनून अपराह्न रे सी इन द डे टाइम दिन बेला डी राउंड द क्लॉक माने दिन राति पूरा केते बेले भी तांगर स्वतंत्रता से सब बेले व्यस्त रहउतले ताले कोटा ठीक उत्तर हो डीटा होची ठीक उत्तर वर्तमान देखबा 17 नंबर प्रश्न व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स को स्टेटमेंटा फॉल्स से भितर मन रखा फॉल्स ए पीटर गिलिगन वाज अ प्रिस्ट एटा तो ठीक अच्छे बी ही विजिटेड द पोअर मैन से गरीब लोक पाख को गले यहाँ भूल अच्छी आउ देखा कौटा कौन अच्छे सी ही रिलैक्सेशन चेयर चेयर उपर रिलैक्स कले ठीक अच्छे डी ही रिग्रेटेड व्वेन द पोअर मैन कल फॉर हिम से रिग्रेट कंप्लेन कले फल्स कौटा बोले ही विजिटेड द पोअर मैन से गरीब लोक पाखु गले यहाँ ही भूल उत्तर ताल बीटा हूँ ठीक उत्तर हम ये स्वतंत्र प्रश्न बर्तमान देखा आम अठर नंबर प्रश्न अठर नंबर प्रश्न कौन द फर्स्ट अंजा हियर इंडिकेट द पॉइंट्स फर्स्ट अंजा सेम ऑफ लाइफ रो आसीगला ये काम एक्सपेक्टेंस ऑफ लाइफ माने
शांत भाव जीवन को ग्रहण करवा बी ब्लंट रिजेक्शन ऑफ पेसिमिस्टिक एटीट्यूड टू लाइफ माने नकारात्मक विचार को रिजेक्ट करवा जीवन विषय रे बी सी ड्रीम ऑफ लाइफ जीवन स्वप्न ऑल ऑफ दिस ताले ठीक उत्तर कोड हबो यस एटा बी हबो ब्लंट रिजेक्शन ऑफ पेसिमिस्टिक एटीट्यूड जो माने नकारात्मक चिंताधारा जीवन प्रति रखते से कभी ये रिजेक्ट कर उन्नीस नंबर प्रश्न कौन द लाइन फॉर द सोल इज डेड दैट स्लमर हाज अ रेफरेंस टू द कौटू एटा आ सहित यार रेफरेन्स अच्छी ए बाइबल सहित अच्छी बी फिलोसॉफी ऑफ लाइफ जीवन दर्शन सहित अच्छी सी द पोएट स्पिरिचुअलिज्म कवि कौन धर्मानु जो बद्धता अच्छी सीटा डी नन ऑफ दिस यार रेफरेन्स क्या सहित अच्छे बोले यहाँ बाइबल सहित रेफरेन्स अच्छे बाइबल रू आसी नर्माली सो यहाँ हम ठीक उत्तर 20 नंबर प्रश्न देखा आम 20 नंबर प्रश्न कौन अच्छी पीपल केम टू हिम व्हेन द पेशेंट वाज ऑन हिज लास्ट लेग्स द अंडरलाइन एक्सप्रेशन मीन्स ये जो अंडरलाइन है मैंने अंडर ऑन हिज लास्ट लेग तार आक्षरिक अर्थ लिटरल मीनिंग जो देखा मैंने शेष गोड़े नहीं कि यार अर्थ कौन ए लेम बी अबाउट टू बी लेम लेम कहले छोटा बी अबाउट टू बी लेम मैंने छोटा हेबा को जाऊथुवा सी एम्प्यूच चोटेड मैंने कटा जा गोड़ डी इन ए क्रिटिकल कंडीशन ताहले कोटा हबो पिले निश्चित भाव कौन हम डी इन ए क्रिटिकल कंडीशन टा होची ठीक उत्तर बर्तमान में देखा 21 नंबर प्रश्न दैट द टाइम हैड कम टू कलीन रमन द डॉक्टर्स वर्ड्स आफ्टर आसी तो वर्तमान कलीन कहले कौन कलीन रो अर्थ कौन नहीं 21 नंबर प्रश्न उत्तर हमको कौन दरकार कलीन कहले कौन तो ये अच्छी समन पठेबा क्या अपील जन को जनवा विजिट देखा करवा परिदर्शन करवा ऑल ऑफ द अबव ताले 21 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर कौटा हे इट्स एक्जाक्टली कलीन कहले नॉर्मली हमको विजिट भाया लगुच बट इट वुड बी हाँ समन ए समनटा हम ठीक उत्तर समन कहले जन पाखक जाके जनवा ये शुणु आ विजिट कहले परिदर्शन कर नॉर्मल जीवाटा तो ताहले एटा ही ठीक उत्तर हम ये जगह बर्तमान देखा आम 22 नंबर प्रश्न थे 22 लॉन्ग इयर्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दिस काइंड हैड ब्रेड इन द डॉक्टर ए सर्टेन गॉट ट्रथफुलनेस द अंडरलाइन एक्सप्रेशन गॉट ट्रथफुलनेस माने चटापट आउ सीधा सीधा कहवाटा कट ट्रथफुलनेस कहे कौन हम ऑप्शन गुड़ी कहला ए सॉर्ट ऑफ डिप्लोमेसी कूटनीति ब्लंट ट्रथफुलनेस शार्प ट्रथफुलनेस सी बाउंडलेस ट्रथफुलनेस माने सीमाहीन सत्यवादिता टी कम्प्लीटली टैक्टफुल ताहले एठी कोटा ठीक तो उत्तर हम 22 नंबर प्रश्न पिले इट्स ब्लंट ट्रथफुलनेस माने पूरा जहाँ भी माने सामना सामनी सीधा सीधा करवा जोटा बी डाउट ठीक उत्तर तापर आइला 23 नंबर प्रश्न 23 नंबर प्रश्न कौन अच्छे बोले द पेशेंट्स लाइफ हंग ऑन हिज वर्ड हंग ऑन द अंडरलाइन एक्सप्रेशन मीन्स ये हंग ऑन कौन पाई व्यवहार कराई ऑप्शन ए कंप्लीटली डिपेंडेंट माने संपूर्ण निर्भर करूला बी डिमांडेड दाबी करूला सी हैंग्ड झुलिकी रोला डी नन ऑफ दिस ये तो कौटा भी नुहे ताहले कौन होता बोले एक्जाक्टली ठीक उत्तर कौटा हम माने कंप्लीटली डिपेंडेंट संपूर्ण निर्भर करूला एटा हूँ ठीक उत्तर बर्तमान आम देखा 24 नंबर प्रश्न व्वेन हि ग्लिम्स द फेन्टेस्ट सैन अफ होप हि रोल्ड अफ हिज स्लीवस द अंडरलाइन एक्सप्रेसन मीन्स ए रोल्ड अफ हिज स्लीवस कहले कौन ऑप्शन ए कनसल्टेड से मैंने विचार विमर्श करुले बी स्लेप सोई पड़ुले सी प्रिपेयर टू डू हिज ड्यूटी मैंने काम करने लगे पड़ुले नन अफ दिस कौटा ठीक हे यस प्रिपेयर टू डू हिज ड्यूटी सीटा ही ठीक उत्तर हम 24 नंबर प्रश्न बर्तमान आम देखा 25 नंबर प्रश्न 25 नंबर प्रश्न कौन अच्छी बोले एज ए डॉक्टर रमन वाज डैश वन ऑफ द इक्वल्स माने समान समान लोक ए मैन विथ अ डिफरेंस माने गोटे अलग चरित्र लोक सी समवाट फाइन किसी का भल दि हेल्ड इन हाई एस्टीम माने बड़ा सम्मान दि जाऊला ताहले 25 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हम ए मैन विथ ए डिफरेन्स डिफरेन्स कहले कौन पे
ଏଠି ସେ ମାନେ ଅଲଗା ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲେ ଇଏ ଶୁଣୁ ତାହେଲେ ବିଟା ହିଁ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ। 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଡିଆସ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରୋଟାଗନିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ। ପ୍ରୋଟାଗନିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ, ପ୍ରଚାରକ କିଏ? ଏ ବାବୁବୀର କିଶୋର, ବି ଦ ନାରେଟର, ସି ସିମହାରଣା, ଡି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭବ୍। ତାହେଲେ 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ହେବରେ ପିଲେ? ୟା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଶ୍ରୀ ମହାରଣା। ଇଏ ଶୁଣ ତ ମହାରଣା ଇଜ୍ ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଇନ୍ ଦିସ୍ ୟୁନୋ ଷ୍ଟୋରି, ନାଇଁ କି? ଆଉ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ଲେଖା ହେଇଛି ମେନ୍ଲି, ତାଙ୍କର ମହତ୍ଵାକାଂକ୍ଷାକୁ ନେଇକି, ତ ସେଇଟା ହିଁ ହେବ ଠିକ୍। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀ ମହାରଣା କମ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଡିଆସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, କି ଭଳିଆ ପରିବାରରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ? ଏ କଲଚର୍ଡ ଟୁ ତ ମାନେ ମଡ଼ର୍ନ ଫ୍ୟାମିଲି, ବି ହମ୍ବଲ ମାନେ ହମ୍ବଲ କହିଲେ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଫ୍ୟାମିଲି, ସି ରିଚ୍, ଡି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ୟୁ ୱାଜ୍ ଏ ୱେଲ୍ ଟୁ ଡୁ ମେନ୍। 27 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ୟା ସୋ ଇ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଏ ରିଚ୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲେ 28 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଶ୍ରୀ ମହାରଣା ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ? ଏ ଜେନେରୋସିଟି, ଦୟାଶୀଳତା, ବି କନ୍ସିଏନ୍ସ, ବିବେକବାନ, ସି ପାଟ୍ରିଓଟିଜମ୍ ଦେଶଭକ୍ତି, ଡି ରିମାର୍କେବଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲିଟି, ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଆତିଥ୍ୟତା ପାଇଁ ବି ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏ ସବୁଯାକ ଉତ୍ତର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସବୁଯାକ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କେଉଁଟାକୁ ନେବା ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବୋଲିକିରି କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଇଜ୍ ଦେୟାର୍, ନାଇଁ କି? ଯୋ ମିଷ୍ଟର ମହାରଣା ୱାଜ୍ ଏ କନ୍ସେନ୍ସସ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ସେ ମଝିରେ ମାନେ ଦେଶଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବି ସେବା କରୁ, ପାଟ୍ରିଓଟିଜମ୍ ବି ଆସିଲା। ତାହେଲେ ପିଲେ ଏଠି ଆମେ ନେବା କ'ଣ ପାଇଁ? ଆତିଥ୍ୟତା। ଆତିଥ୍ୟତା କହିଲେ କ'ଣ ମାନେ ଜଣକୁ ସେବା ସତ୍କାର କରିବା, ତ ଏଠି ଡିଟା ଆମେ ନେବା ରିମାର୍କେବଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲିଟି, ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ପିଲେ। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଗେଭ୍ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଡିଆସ୍, ଭାରତର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ସେଥିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନେ ନୂଆ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ବଢ଼ାବା ହେଲା? ଏ ଫୋର୍ ମେଜର୍ କାଷ୍ଟ, ଚାରିଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସମ୍ ପାଟ୍ରିଅଟ୍ସ କିଛି ଦେଶଭକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ସି ପଲିଟିସିଆନ୍ ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଡି ବୋଥ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି। ତାହେଲେ 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ହେବ ବୋଲେ? ୟେସ୍, କିଛି ଦେଶଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସମ୍ ପାଟ୍ରିଅଟ୍ସ, ବିଟା ହେବ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, 30 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ମହାରଣାସ୍ ଆମ୍ବିସନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ଏନ୍ ଡ୍ୟାସ୍, କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ? ମିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ମିଶନ କ୍ୟାପ୍ଟର, ଏ ଏମ୍ଏ ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଆର୍ଟ୍ସ, ବି ଏମ୍ପି ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ, ସି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ଡି ଅନରେବଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ୟା ଇ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ବି ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି, ତାହେଲେ ସିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ 31 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ ୱାର୍ଡ ଡେବ୍ୟୁ ମିନ୍ସ, ଡେବ୍ୟୁ କହିଲେ କ'ଣ? ଡେବ୍ୟୁ କହିଲେ ଆରମ୍ଭ, ନାଇଁ କି? ଏ ଡେପ୍ଟ ଋଣ, ବି ଫାଷ୍ଟ ଉପବାସ, ସି ମେଡ଼େନ୍ ଏକମାତ୍ର, ଡି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍, କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କହିଲେ ଦାନ। ତାହେଲେ ଏଠି କେଉଁଟା ହେବ ପିଲେ? ସି ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ମେଡ଼େନ୍ଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ। ଡେବ୍ୟୁ କହିଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେଉଁଟା, ତାହେଲେ ମେଡ଼େନ୍ଟା ହିଁ ନେବା ଆମେ ଉତ୍ତର ହିସାବରେ। 32 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ ଏନ୍ ଆର୍ଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ୱାଜ୍ ମେନ୍ଲି କନ୍ଫାଇନ୍ ଟୁ, କେଉଁ ଜିନିଷ ମାନେ ରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମାନେ ଚାଲୁଥିଲା ମେନ୍ଲି? ଏ ଟ୍ରାଭେଲିଂ, ବି ଡେଲିଭରିଂ ଲେକ୍ଚର୍ ଆଟ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ମାନଙ୍କରେ ଲେକ୍ଚର୍ ଦେବା, ସି ମିଟିଂ ପିପୁଲ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା, ନାନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲା? ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ଇଏ ଶୁଣ। ସୋ ଇନ୍ ଦୋଜ୍ ଆର୍ଲି ଡେଜ୍ ନୋ ଡେପୁଟି ସବ୍ ଡେପୁଟି ମିନିଷ୍ଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଟେଲି ଲାଇଫ୍ ୱାଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଡେଲିଭରିଂ ଲେକ୍ଚର୍ ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା ଏଟ୍ସେଟ୍ରା। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ହେବ? ବିଟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଡେଲିଭରିଂ ଲେକ୍ଚର୍ ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 33, ଦ ରାଇଟର୍ ନ୍ୟାରେଟ୍ସ 3 ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଏନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଆମ ଷ୍ଟେ ହେଙ୍ଗ୍ରି ଷ୍ଟେ ପୋଲିସ୍ ଚାପ୍ଟର ମନେ ପକାଇବେ। ଏ ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାରିୟର୍, ବି ଲାଇଫ୍, ସି ଜବ୍, ଡି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼। ତ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ଦ ରାଇଟର୍ ନ୍ୟାରେଟ୍ସ 3 ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ଏନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍, ତାଙ୍କ କେଉଁ ଜିନିଷ ମାନେ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ସେ ତିନିଟା ଗପ କହିଛନ୍ତି? 33 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ହେବ?
इट इज एक्जाक्टली से निज जीवन विषय कहवापी तेल लाइफ टा हम बी लाइफ टा हूँ टी विधायक क्वेश्चन नंबर 34 34 नंबर प्रश्न पहले हिज बायोलोजिकल बायोलोजिकल मदर बायोलोजिकल मदर कहार बायोलोजिकल मदर स्टीव जॉब्स हिज बायोलोजिकल मदर वॉज ए अनमेरिड बी ए ग्रेट स्कॉलर सी यंग डी बोथ ए एंड बी ताहले ए एंड बी कौन अच्छे बोले अनमेरिड ए ग्रेट स्कॉलर सी हूँ यंग बोथ ए एंड बी ताहले ठीक उत्तर कौट हम ठीक उत्तर हम बोथ ए एंड सी यंग एंड अनमेरिड नहीं कि यंग एंड अनमेरिड 35 नंबर प्रश्न 35 नंबर प्रश्न कौन सी वाज इंटरेस्टेड टू पुट ऑफ द राइटर फॉर से कौन करवा चाहूला माने राइटर स्टीव जॉब्स को नहीं कि से कौन करवा चाहूला से जो लेडीटा ये जन्मदात्री मामला ऑप्शन ए एक्सचेंज परिवर्तन बी एडॉप्शन माने क्या पोष्य कर देवाई सी ए ब्राइट फ्यूचर तर उज्ज्वल भविष्य निर्माण करने नॉन ऑफ दिस कौन हम ठीक उत्तरटा से चाहूले छुआ को किए एडॉप्शन करू बी रही ठीक उत्तर बर्तमान देखा आम 36 नंबर प्रश्न 36 नंबर प्रश्न कौन द राइटर्स कलेज वाज वेरी टाइपिकल साधारण बी चीप सस्ता सी एक्सपेंसिव खर्चा बहुत खर्चांत डी केयरफुल अबाउट द स्टूडेंट्स ताहले से कौन कहते आई नाइवली चूज ए कलेज व्हिच वाज एक्सपेंसिव एट स्टैनफोर्ड लेखा ही बही रे ताहले आम 36 नंबर प्रश्नर उत्तर कौन हम सी एक्सपेंसिव यही वीडियो रिविजन सेट्र शेष प्रश्न पीले शेष प्रश्न देखा आम कौन द राइटर रियलाइज द डैश ऑफ गोइंग टू हिज कॉलेज कौन माने कॉलेज जबार को जिनस को से उपलब्धि करें ए फ्यूटिलिटी माने किसी काम ना तार इम्पोर्टेंस महत्व पर्पोज उद्देश्य नॉन ऑफ दिस 37 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हम ए फ्यूटिलिटी माने से काम किसी वैल्यू ही नाला तो दैट्स ऑल फ्रॉम द वीडियो यस मन रख वीडियो टी तुमको जदि भल लगी लाइक करने भूल ना एंड शेयर भी कर ठीक अच्छे जहाँफल बहुत पिला लाभान्वित हो थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय।